कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे। आइए आज हम इसी कड़ी में आपको आगे एक गजब की औषधि बताते हैं जो कि बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया औषधि है। तो आइए, ये पीलिया में किस तरीके से काम करती है, पथरी में किस तरीके से काम करती है, और अगर के कोई मूत्र संबंधी पेशाब रुक रुक के आना या रुक जाना, उसमें ये रामबाण इलाज करती है। पर पहले हम वैद्य जी से पूछेंगे कि पीलिया में किस तरीके से काम करती है और पीलिया में इसको कैसे देना है। तो यह का बताएं वैद्य जी कि पीलिया में कैसे देना है। जड़ी, इसको जड़ मोटी होना चाहिए, अंगुली इतनी मोटी। अच्छा। और इसको पीस करके 100 ग्राम छेरी के दूध मिला करके और उसको अंगुली से घोल करके पी जाए। तो हमारे वैद्य जी ने यह बताया कि इसकी जड़, पीलिया कैसी भी पीलिया हो, तो आप इसको क्या करें कि बकरी के दूध में 50 ग्राम दूध हो या 100 ग्राम दूध हो, तो उसमें बांट करके इसकी जड़ को हाँ, जड़ को बांट करके डाल दीजिए और अंगुली से घुमा दीजिए, अच्छी तरह से मिल जाए। इसके बाद उसको पिला दीजिए शाम सुबह दोनों टाइम। तो भर जड़ होना चाहिए। हाँ, पानी भी मिलाना है? नहीं, हाँ, पानी नहीं मिलाना, जल पानी नहीं मिलाना है, केवल दूध के साथ पिलाना है। और ये पहचान लीजिए अच्छी तरह से, इसको कहते हैं हम लोग पत्थर चटा। ये हर जगह मिल जाता है, ये देखिए किस तरीके से, आपके खराब जगह पड़ी हो तो वहाँ भी मिल जाएगा। तो ये पत्थर चटा है, आप पहचान लीजिए। और पथरी, कैसी भी पथरी हो आपकी, तो इसको पथरी में इसकी पत्ती को 4-5 पत्तियां तोड़ करके सुबह सुबह खाली पेट बांट करके आप पी लीजिए। कैसी भी पथरी होगी, आपकी पथरी निकल जाएगी, आपकी पथरी नहीं रहेगी। तो ये पथरी की रामबाण औषधि है, पीलिया की रामबाण औषधि है। आपका पेट वगैरह साफ करना, खून बिल्कुल साफ करना, ये सब कामों में ये जड़ी बूटियां हैं। और जड़ी बूटियों का काम करती है, जड़ से हटाती है, पर स्लो काम करती है, धीरे काम करती है और जड़ से हटा देती है। तो आप इसका इस्तेमाल करें, ये पत्थर चटा बहुत बढ़िया, नाम बहुत छोटा है पर काम इसका बहुत बड़ा है। तो इसका इस्तेमाल करें और इसका फायदा लें। और अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे कि आपको जो भी मैं वीडियो डालूं तो आपको सबसे पहले देखने के लिए मिले। सभी भाई बहनों को नमस्कार। एक बात और, हमने ये खा के नहीं दिखाया, ये पत्तियां साफ होना चाहिए, ये ध्यान दे लीजिए आप। हम इनको खा करके दिखाते हैं, तो ये देखिए, ये आप खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपको खाइए और खाली पेट कोशिश करना, खाली पेट। कोई भी जड़ी बूटी आपको खाली पेट ही काम सही करती है। खाने के लिए तो दिन भी खा सकते हैं, पर सुबह सुबह खाली पेट खाते हैं तो बहुत बढ़िया काम करती है। सभी भाइयों को नमस्कार।